कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत समय सार का सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। संवर अधिकार तक की चर्चा पूर्ण हो गई है, अब निर्जरा अधिकार प्रारंभ करेंगे। आचार्य अमृतचंद्र समय सार को नाटक का रूप प्रदान करते हैं, इसलिए वे अधिकार को अंक कहते हैं। जैसे नाटकों में अंक होते हैं ऐसे अंक है, तो पिछला अंक वो पंचमो अंक कहा, पांचवा अंक पूरा हुआ था। पात्र के रूप में समय सार के रंगमंच पर संवर आया था, तो संवर और निष्क्रांता, संवर चला गया, अब समय सार के रंगमंच पर जो आ रहा है उस अंक के लिए, तो अमृतचंद्र आचार्य उसकी सूचना प्रथम वाक्य के साथ देते हैं, अथ प्रविशति निर्जरा। अब कौन प्रवेश करता है? निर्जरा प्रवेश करता। वैसे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अंतिम अधिकार है, और तत्वों की अपेक्षा बात करें तो उससे पहले मोक्ष अधिकार है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, जब गायक भाव प्रबोधिनी टीका लिखी आदरणीय डॉक्टर साहब ने, तो हर अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण का छंद लिखा, तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रारंभ में लिखा जो सर्व विशुद्ध ज्ञान है ये मूल स्वरूप है, स्वभाव है, ये स्वांग नहीं है। और मोक्ष तत्व तक क्या लिख रहे हैं? ये सभी स्वांग है। स्वांग है का मतलब मूल स्वरूप नहीं है। भेद विज्ञान की बात अपन ने पढ़ी थी विस्तार से, तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ के आधार से, और आपके तीतरा विज्ञान पाठमाला में जो सात तत्व नाम का पाठ है उसमें भी द्रव्य दृष्टि क्या है उसके संदर्भ में बात करते हुए, जो शरीर आदि पर द्रव्यों से तो भिन्न है ही, पर भावों से भिन्न है, आश्रवादी विकारी भावों से भिन्न है, और यहां तक कि संवर आदि अविकारी पर्यायों से भी पार है, अरे निर्मल पर्यायों से भी पार, तो निर्मल पर्याय भी मूल स्वरूप नहीं है। और वहां एक तर्क दिया था, हम जीव तत्व हैं, यदि निर्मल पर्याय रूप उनको स्वीकार कर लिया तो फिर संवर निर्जरा तत्व अलग कैसे बनेंगे? इसलिए वे अलग हैं, मैं जीव तत्व हूं इसलिए मैं वो नहीं हूं, तो इसलिए वो संवर निर्जरा को भी स्वांग के रूप में कहा गया। अब कोई भी स्वांग होता है तो कोई ना कोई ऊपर से भेष धारण करके आता है ना, आश्रव बंद, ये तो विविध भेष थे, लेकिन निर्जरा प्रवेश कर रही है ये कैसा भेष है? इसके लिए अनुशीलन में प्रारंभ में जैसे आचार्य ने इस बात की चर्चा, अथ प्रविशति निर्जरा, अब निर्जरा प्रवेश करती है, उसको किन शब्दों में लिखा वो पढ़ते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 140 पेज पर है अनुशीलन में, कोई नहीं है क्या वहां पीडीएफ देने के लिए? अभिषेक कांग या रोज बैठता था ना, किसी दूसरे को कह के जाना चाहिए। देखिए मैं पढ़ता हूँ, सरल है। आचार्य जैसे तात्प्रवृत्ति में इस बात को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं,
उनका कथन मूलतः इस प्रकार है। कैसे पात्र कैसे आ रहा है, निर्जरा वाला पात्र कैसा है। अब यहां श्रृंगार रहित पात्र के समान शुद्ध जीव स्वरूप संवर रंगभूमि से निकल गया। अब वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली एवं संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा प्रवेश करती है। मैंने वो संवर के लिए भी कहा, संवर कैसा है, श्रृंगार रहित पात्र के समान। तो श्रृंगार रहित पात्र क्यों कह रहे उसे, क्योंकि संवर निर्मल पर्याय है। तो निर्मल है तो उसमें फिर ये बाहर से ओढ़ा हुआ नहीं चलेगा। तो कोई पात्र सहज जैसा है वैसा आकर के यदि खड़ा हुआ तो कोई श्रृंगार नहीं किया, जो है वो है सामने आया। कभी कभी जैसे कोई फिल्म में ये दिखाना हो, कोई फिल्म कोई सिनेमा कोई सीन चल रहा है और उसमें ये बताया जाए कि और ऐसा हो रहा था और अमिताभ बच्चन अचानक आ गए, तो फिल्म में नहीं है कहीं, और वो सचमुच में ही जैसे है वैसे ही बीच में आ गए। अब क्या करोगे, वो किसी पात्र, वो स्वयं है ना, स्वयं जैसे हैं जैसे ही सहज आ गए। वो अपने किसी सीन फिल्म में होते, सीन में होते शहनशाह और पता नहीं क्या क्या, तो वो उसके भेष में होते ना, तो वो तो उस प्रकार का एक तरह का श्रृंगार किया हुआ होता, लेकिन अभी कैसे है, जैसे है वैसे आ गए। तो संवर में जीव ने अपने आप को यथावत स्वीकार किया है, जिसके कारण से शुद्धता की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसे भी श्रृंगार रहित कह रहे हैं। और निर्जरा में अब शुद्धि की और वृद्धि हुई है, स्वरूप की मग्नता से इसलिए शब्द दिए। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली, वीतरागता भी मूल हमारा स्वरूप है, राग स्वरूप नहीं है, विकल्प भी हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं शब्दातीत हूँ विकल्पातीत हूँ, तो निर्विकल्प जैसा है, और उपयोग की शुद्धता, तो उस रूप जो परिणत हो रहा है उसे कह रहे हैं कि वह श्रृंगार रहित है, कोई श्रृंगार रहित ऐसा सहज स्वरूप, इसलिए निर्मल पर्याय होने के कारण से उसे श्रृंगार रहित पात्र की तरह कह रहे हैं। परंतु है तो पात्र ही, वो मूल जीव तत्व भी नहीं है, पर्याय रूप तत्व ही है। दूसरी एक और विशेष बात यहाँ कह रहे हैं, संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा प्रवेश करती है। संवर पूर्वक निर्जरा क्यों कह रहे हैं, अब अपन उसमें विस्तार में नहीं जाते हैं, निर्जरा की चर्चा क्रमशः अपने आप आएगी आएगी, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, यहाँ चूंकि समय सार की निर्जरा की चर्चा दूसरी तरह से होगी। संवर पूर्वक निर्जरा क्यों कहना चाहते हैं, ये पहला जो ज्ञान ज्योति की महिमा वाला छंद है उसमें भी ये बात आएगी। निर्जरा के अनेक भेदों में दो तरह से भेद करते हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, दूसरे सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। ये इसी छंद के अंत में अनुशीलन में ये बात लिखी है। संवर पूर्वक निर्जरा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि आश्रव पूर्वक निर्जरा हो रही हो तो आश्रव पूर्वक निर्जरा माने वो सविपाक निर्जरा, जिसे छड़ अलाकार निर्जरा की भावना में कहते हैं, काल पाय विधि झरना तासो किनकी बारा भावना है, काल पाय विधि झरना तासो निज काजन सरना, तप करी जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। काल पाय विधि झरना, तो एक क्रमशः उदय आकर के फल दे करके सविपाक और चले गए, क्या तो चले तो गए ना, निर्जरा तो हो ही गई ना, लेकिन वो सविपाक फल देकर गए उसके कारण से नया आश्रव हो गया फिर से, तो काय की निर्जरा हो गई। तो क्या होना चाहिए था, पहले संवर होता नए आने वाले कर्मों का, फिर निर्जरा होती तो वह काम की होती और
संवर तो हुआ नहीं क्योंकि सविपाक। और अविपाक में क्या हो रहा है, अविपाक में फल नहीं दिया और चले गए तो नया आश्रम नहीं, इसका मतलब संवर हो गया। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा ही काम की है। वैसे वह सकाम और अकाम में भी वही बात है, अकाम निर्जरा वाली में वो तो सहज किया तो पुण्य भाव वाला है, शुभ भाव वाला है, उसके कारण से तो पुण्य का आश्रय ही होगा सकाम निर्जरा में, इसलिए वहां भी निर्जरा वास्तव में हुई नहीं है। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा जो सात तत्वों को समझाने के लिए मुख्य रूप से नाव का उदाहरण दिया जाता है, तो संवर के लिए क्या उदाहरण, उस उदाहरण में संवर तत्व और निर्जरा तत्व के लिए क्या दिया, पहले आश्रव और बंध समझना पड़ेगा तो संवर निर्जरा समझ में आएगी। आश्रव के लिए क्या किया कि छेद नाव में छेद हुआ जिसके कारण से पानी आ रहा है, तो नाव में छेद है जहां से पानी आ रहा है वो क्या है, आश्रव है। और बंध क्या है, पानी आकर के वो नाव में भर रहा है वो बंध है। अब निर्जरा करो, क्या निर्जरा करो, पानी उलीज दो ताकि नाव न डूबे। तो पानी उलीजते तो जाओ लेकिन वो जो आश्रव द्वार जहां से आ रहा था उसे बिना बंद किए उलीजते जाओ तो क्या होगा, वो कह रहे काल पाय विधि झरना तासो निज काजन सरना, उससे वो काम होने वाला नहीं है। तो समझदारी क्या है, पहले क्या करो, वो छेद जिसमें से पानी आ रहा है जिसको आश्रव कहा है वो बंद करो। बंद करने के बाद आधा काम हो गया है, अब डूबेगा नहीं, चिंता नहीं है, और नहीं आ रहा है तो डूबने वाला नहीं, लेकिन अभी थोड़ा भार है तो कम करना है तो फिर उलीचते जाओ, तो उलीचते जाओ तो काम है क्योंकि नया नहीं आ रहा। ये उस तरह संवर पूर्वक निर्जरा ही वास्तव में निर्जरा है, इस बात की तरफ भी यहाँ जैसेन आचार्य ने ध्यान दिलाया। अब अमृतचंद्र आचार्य हर अधिकार के प्रारंभ में जिस तरह से ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं, वह 133वां एक तरह से मंगलाचरण का कलश है, कलश का मैं पाठ करता हूं। रागाद्याश्रव रोधतो निज धुराम धृत्वा परा संबराम कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन स्थिताम प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याज्रम्भते निर्जराम ज्ञान ज्योतिरपावृतं नहि यतो रागादिभिर्मूर्चति। निर्जरा व्याज्रम्भते, अब निर्जरा प्रकट होती है, व्याज्रम्भते का अर्थ करती है फैलती है, प्रकट होकर के विस्तार को प्राप्त होती है। कैसे होती है, कब हुई, तो पहले संवर की बात कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं ये संवर पूर्वक निर्जरा। संवर ने क्या किया, रागादि आश्रव रोधतः निज धराम धृत्वा परहा संवरः, परहा संवरः उत्कृष्ट संवर, वह उत्कृष्ट संवर वो क्या कर रहा है, निज धराम धृत्वा, और नीचे की पंक्ति में दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द है स्थिताः, संवरा स्थिताः, संवर पहले खड़ा है, कैसे खड़ा है, निज धुराम धृत्वा, अपने धुरा को धारण करके। और वो निज धुरा का अर्थ किया है अपनी कार्य धुरा, कार्य धुरा माने अपनी जिम्मेदारी, क्या उसकी जिम्मेदारी थी, आगामी कर्मों को रोकना, वो जो उसकी जिम्मेदारी थी उसको धारण करके वो खड़ा हुआ है। लेकिन उसके पास ऐसी क्या ताकत है जिसके कारण से संवर हो रहा है, वो अपनी कार्य को कर पा रहा है, कहते वो जो आश्रव, जैसे वो अपन ने कहा ना वो नाव में पानी आ रहा है उसको रोकना है, तो क्या उपाय है, कि छेद में से आ रहा है उसे रोका जाए, तो आश्रव निरोध, आश्रव का निरोध, तो आश्रव किसके कारण से हो रहा है, मोह राग द्वेष भाव से हो रहा था तो उसे रोका जाए। इसलिए सबसे पहला रागाद्याश्रव रोधतः, रागादि आश्रव के रोध से, रागादि आश्रव को रोकने के लिए फिर उपाय क्या है, निज शक्ति स्पृशन, अपनी स्वशक्ति का स्पर्श करते हुए
फिर वह बुद्धि पूर्वक रागादि हो चाहे बुद्धि पूर्वक रागादि हो, वहां संवर में चर्चा विस्तार से किए उसकी। तो रागादि आश्रव को रोकते हुए, रोधता रोकने से, रोकने के कारण से, और उस कारण से नीचे की पंक्ति में कर्म आगामी समस्तमेव भरता दूरान निरुंधन, समस्तमेव आगामी कर्म, आगे जो आते आश्रव होते हैं ऐसे आगामी कर्मों को समस्तमेव, समस्त का तात्पर्य अशुभ को रोक दिया, अशुभ को आने दो, ऐसा है कि रागादि आश्रव रोता, राग कौन सा, अशुभ राग की शुभ राग, किसका रोध किया है। यहाँ पीछे किसी कलश में चर्चा थी, माने पुण्य पाप दोनों को रोक करके संवर का प्रकार क्या है, उसके बाद उसकी चर्चा करते समय पुण्य पाप दोनों योगों से रोक कर अपनी आत्मा में स्थित होते हैं। तो शुभ अशुभ दोनों, दोनों प्रकार के राग का आश्रय हुआ है, इसलिए समस्त आगामी कर्म, शुभ अशुभ पुण्य पाप समस्त कर्मों को दूरान निरुंधन, भरता शब्द भी जन भरता परिपूर्ण, कोई नहीं आ सकता है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो धीरे धीरे तो भरेगा ही ना, इसलिए भरता दूरान निरुंधन। दूरान निरुंधन का अर्थ ये है उदय में आ ही गया ना तो फिर रोका नहीं जा सकता है, आ ही गया हो तो उसको क्या रोकोगे। जैसे राग के त्याग की बात करते ना, हमने राग का नाश किया, राग का नाश आप कर ही नहीं सकते कभी भी, कभी नहीं कर सकते, क्यों, कौन से राग का नाश करोगे आप, भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य के, कौन से, भूतकाल का राग तो चला गया और वर्तमान का वो तो हो ही गया, भविष्य का वो तो अभी आया नहीं, तो किसका करोगे, अरे होता ही नहीं है। एक 34 नंबर की जो गाथा है ना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, उसकी टीका में लिखा है और गुरुदेव उसको इस रूप में लेते हैं, वो कहते हैं राग का त्याग करता ही नहीं है, अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होते हैं, राग उत्पन्न नहीं होता, इसका ही नाम है राग का त्याग किया। तो ये दूरान निरुंधन, वो अपने स्वरूप में स्थित होने से नहीं हुआ, इसी का मतलब है दूर से उसे रोकते हुए, दूर से ही रोकते हुए, आने नहीं दिया वहीं के वहीं, वो उपशम आदि जो भी करणानुयोग की दृष्टि से जो भी होता हो, तो वो दूरान निरुंधन दूर से ही रोकते हुए, इसलिए वहां प्रत्याख्यान का लक्षण दिया है, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान, स्वरूप में स्थिरता हुई, राग की उत्पत्ति नहीं हुई, उसका ही नाम त्याग कहलाया उसे। तो आगामी कर्म समस्तमेव भरतः, पूरी तरह से दूर से ही रोकता हुआ परहा संवरा स्थिता, संवर पहले अच्छी तरह से खड़ा है, और जब संवर खड़ा है तब प्राग बद्धम तो तदेव दग्ध मधुना व्याजृंभते निर्जरा, तब तदेव वही जो कर्म, कौन सा, प्राग बद्धम पहले से बंधा हुआ था, दग्ध मधुना अब उसे दग्ध करने के लिए अब निर्जरा खड़ी होती है। यदि संवर ना हो तो खड़ी भी हो जाए तो निर्जरा किस काम की, इसलिए पहले वह संवर पूर्वक, संवर अच्छी तरह से खड़ा है, हिंदी पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा किया इसका, वो बिल्कुल संवर अपने कार्य करने के लिए निज धराम धृत्वा वह खड़ा है, तब निर्जरा खड़ी होती है, निर्जरा अपना कार्य करने के लिए समर्थ होती है। तो निर्जरा उस पूर्व बद्ध कर्म को, इसमें से सहज ही जो निर्जरा और संवर का स्वरूप है ना वो भी आ जाता है। निर्जरा के लिए आगामी कर्मों को रोकना, इसलिए कर्म आगामी समस्तमेव भरता निरुंधन, वो संवर का कार्य, और प्राग बद्धम दग्ध मधुना, और पूर्व बद्ध जो कर्म है उनको जलाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए निर्जरा व्याजृंभते, निर्जरा फैलती है, प्रकट होती है। और यतः जिसके कारण से ज्ञान ज्योति अपावृतम, इसके कारण से जो ज्ञान रूपी ज्योति है अब उसके ऊपर से आवरण हटता जाता है, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो, प्रभु जी किसी भजन में बोलते हो ना, ज्ञान में मोह की धूल लगी, वो संवर ने ये कार्य कर दिया, रागादि आश्रव को रोकने के कारण से
ये काम किया। और निर्जरा ने और प्रागबद्ध, यदि पहले के बदे हैं और वो उदय में आते जाते तो निर्जरा ने दग्ध मधुना, उसे जलाने के लिए वो तैयार हुई, फैल रही है, वो भी चलेगी। अब क्या होगा? ज्ञान ज्योति अपावृतम, ज्ञान पर मोह राग द्वेष की कोई आवरण नहीं रहा, इसलिए ज्ञान रूपी ज्योति निरावृत होती है, निर्मल होती जाती है। और ऐसी निर्मल होती जाती है, रागादि भीर न मूर्छति, अब फिर रागादि से मूर्छित होने वाली नहीं है, मूर्छित नहीं होने वाली। मूर्छा तुम है ना, मूर्छा परिग्रह, और मूर्छा तुम क्या दिया, मूर्छा किसे कहा, मूर्छा तुम ममत्व परिणाम, फिर से एकत्व ममत्व बुद्धि विपरीत बुद्धि होने वाली नहीं, माने अज्ञान नहीं आने वाला है, मोह नहीं आने वाला है, मोह कोई मूर्छा कहते हैं। तो रागादि से वो मूर्छित नहीं होती, विपरीत नहीं होती है, सम्यक रूप ही रहती है। और अपावृतम, यदि पूरी तरह से निरावरण हो गई तो क्या हो गया, फिर तो केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान होता है तो उसके साथ क्या, बल्कि पहले रागादि से रहित ही होता है, वीतराग ही होता है। और पूर्ण ज्ञान हो गया तो फिर पुनः रागादि रूप होने की संभावना ही नहीं है। तो संवर निर्जरा पूर्वक ऐसी स्थिति होती है, और ये ज्ञान ज्योति इस प्रकार से प्रकट होती है, ऐसी महिमा करते हुए, यहाँ एक तरह से ज्ञान ज्योति की महिमा करते हुए मंगलाचरण किया। श्लोकार्थ पढ़ता हूं मैं। परम संवर, रागादि आश्रव भावों के रोकने से अपनी कार्य धुरा को धारण करके समस्त आगामी कर्मों को परिपूर्ण दूरी से ही रोके खड़ा है। इसमें भाव निर्जरा और भाव संवर और द्रव्य संवर दोनों आ गए। कैसे आ गए? भाव संवर किसमें आ गया, द्रव्य संवर किसमें आ गया? रागादि आश्रव भावों के रोकने से भाव संवर हुआ, और समस्त आगामी कर्मों को परिपूर्ण दूर से ही रोके खड़ा है, इसलिए द्रव्य संवर भी हुआ। और अब पूर्वबद्ध कर्मों को जलाने के लिए निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है, इस कारण निरावरण होती हुई ज्ञान ज्योति, यहां पूर्वबद्ध कर्मों को जलाने के लिए द्रव्य निर्जरा होगी और निरावरण होती हुई ज्ञान ज्योति, शुद्धि की वृद्धि हो रही है, तब ज्ञान कैसा हो रहा है, निरावरण हो रहा है, इसलिए उसको भाव निर्जरापन कह सकते हैं। और कैसे होती वो ज्ञान ज्योति निरावरण होती हुई, फिर कभी भी रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होगी, सदा अमूर्छित ही रहेगी। बोलिए, सुनील जी जुड़े हैं क्या? नहीं हो तो सामयिक रूप से पाठ करते हैं। बोलिए, सभी एक साथ बोलिए। रागात्याश्रव रोध तो निज धुराम धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन् स्थितः प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपावृतं नहि यतो रागादिभिर्मूर्छति आगामि बंधन रोकने संवर सजग सन्नाथ हो रागादि के अवरोध से जब कमर कस के खड़ा हो अर पूर्व बद्ध कर्म दहन को निर्जरा तैयार हो तब ज्ञान ज्योति यह है अरे नित ही अमूर्छित क्यों न हो। बनारसी दास जी बहुत ही सरल शब्दों में भावानुवाद करते हैं, श्लोक का कोई भी भाव उसमें नहीं आएगा, लेकिन निर्जरा अधिकार है, इस निर्जरा संबंधी बात करते हुए वे छंद लिखते हैं। अगला छंद भी पढ़िए।
जो संवर पद पाई अनंदे सो पूरव कृत कर्म निकंदे जो अफंद है बहुरे नफंदे सो निर्जरा बनारसी बंदे। ये भी संवर पूर्वक निर्जरा को ही निर्जरा कहते हैं और नीचे स्पष्ट भी किया है, अभी पढ़ते हैं अपन उसे भी। जो संवर पद पाई आनंदे सो पूर्व कृत कर्म निकंदे। यदि नया कर्म आता ही जा रहा है, आश्रय हो रहा है, तो पूर्व कृत कैसे जाएंगे? इसलिए संवर पूर्वक, संवर को पा करके पहले अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जागृत हुई है, अब धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होगी। तो संवर पाई आनंदे सो पूर्व कृत कर्म निकंदे, और वही पूर्व कृत कर्मों का निकंदन करता है ये निर्जरा। और ऐसा होते होते क्या होगा? सो अफंद है बहुरी न फंदे। अफंद फंदे में नहीं फंसता है, अर्थात पुनः बंद नहीं होता है। बंधता नहीं है तो फिर क्या होगा? बहुरी न फंदे, पूरी तरह से मुक्त ही होता है, पुनः बंधन में नहीं पड़ता। और ये सब किसके कारण से हुआ? निर्जरा के कारण से हुआ। तो संवर से नहीं, संवर का तो काम पहले हो गया और संवर की महिमा करनी जो पहले अधिकार ने कर दी, अभी निर्जरा की महिमा है। इसलिए अभी तो ये कहेंगे भी निर्जरा के द्वारा हुआ, तो चूंकि निर्जरा से हुआ इसलिए सो निर्जरा बनारसी वंदे, ऐसे निर्जरा को बनारसी दास जी वंदन करते हैं। ये मैं पहले भी कहता रहा हूं, टीका लिखते समय वे जिनकी टीका लिख रहे हैं तो उसको ये कहना चाहिए ना, अमृतचंद्र आचार्य कुंदकुंद आचार्य के ग्रंथ की टीका लिख रहे हैं तो वंदित तो सब सिद्धे, तो ऐसा लिखना चाहिए कि कुंदकुंद आचार्य कहते हैं मैं सर्व सिद्धों को वंदना करके अब समय प्रावरूत को कहने जा रहा हूं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो टीका में तो ऐसा लिखेंगे जैसे वे स्वयं ही सिद्ध भगवंतों को वंदना करते हुए द्रव्यवाचा भाववाचा च स्वपर मोह प्रहाणाय और प्रवचन अवयवस्य समय प्रकाशकस्य और वह परिभाषणम उपक्रम्यते, यानी कि जैसा वे स्वयं ही अब इसका परिभाषण करने, ये नहीं कहते कि कुंदकुंद आचार्य कर रहे हैं, वे अपनी बात करते हैं स्वयं की तरफ से। ऐसे बनारसी दास जी भी ये नहीं कहते कि अमृतचंद्र आचार्य ऐसा कह रहे हैं, ये नहीं कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ, बनारसी दास जी ये कह रहे हैं। तो निर्जनाधिकार को प्रारंभ करते हुए वे भी प्रारंभ के छंद में यहाँ निर्जना को नमस्कार करते हैं। नीचे इसके गुरुदेव का उद्धरण भी दिया, उसके पहले वह पैराग्राफ संवर पूर्वक निर्जरा क्यों महत्वपूर्ण है। संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही वास्तविक निर्जरा है, क्योंकि मुक्ति का कारण संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही है। यह निर्जरा ही निर्जरा तत्व है। सात तत्वों में से कर्मों के खिरना इसको निर्जरा तत्व नहीं कह सकते, निर्जरा कह सकते हैं कर्मों के खिरने को, लेकिन निर्जरा तत्व नहीं कहेंगे। ये क्यों? कर्मों का खिरना तो निर्जरा तत्व हो गया ना, कुछ चूंकि फल देकर के जो जा रहे हैं ना, ये तो नियम क्रम हमेशा का है। ये तो कर्णानियोग का, कर्णानियोग तो कहता है इसलिए कर्णानियोग का नियम कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप का नियम है। समय प्रबद्ध बंधते हैं और समय प्रबद्ध ही खिर जाते हैं, तो खिर नहीं है वो तो। ये तो निगोदिया जीव के भी समय प्रबद्ध बंध रहे हैं और समय प्रबद्ध खिर रहे हैं, और कितने सत्ता में रहते हैं? डेढ़ गुणी हानि आयाम कृत, ऐसा है ना उसके, तो वो उतने सत्ता में पड़े रहते हैं। ये उतने तो जाने ही जाना है, तो जो जा रहे वो भी निर्जरा है ना, कदाचित निर्जरा कह दो लेकिन निर्जरा तत्व नहीं कहलाएगा। तो निर्जरा तत्व कौन सा? जो संवर पूर्वक होगा वही निर्जरा तत्व कहलाएगा। तात्पर्य यह है कि सविपाक निर्जरा या अकाम निर्जरा वास्तविक निर्जरा नहीं है, ये तो कहने मात्र की निर्जरा है, इनका मुक्ति मार्ग में कोई स्थान नहीं है। उक्त कलश के भाव को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं।
अब निर्जरा अधिकार कहते हैं आत्मा की अशुद्धता के नाश, शुद्धता की वृद्धि एवं उसी समय द्रव्य कर्म के निर्जीर्ण होने या खिर जाने को निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा तीन प्रकार की, मैंने तीन बातें आई इसमें से, एक अस्थि से, एक नास्ति से और एक द्रव्य पर भी घटित होगी। आत्मज्ञान होने पर स्वरूप में रमणता होने से द्रव्य कर्म का नाश होता है, उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। द्रव्य कर्म भी जाएंगे। अशुद्धता का नाश होना भाव निर्जरा है, यह नास्ति से भाव निर्जरा का स्वरूप। और आत्मा में जो शुद्धता की वृद्धि होती है वह अस्थि से भाव निर्जरा है, शुद्धोपयोग भाव निर्जरा है। शुद्धोपयोग है लेकिन साथ में शुद्ध परिणति। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति में क्या अंतर है? दादा को आप निरंतर सुनते तो आप अच्छी तरह ध्यान में रहना चाहिए। यदि शुद्धोपयोग को निर्जरा कहेंगे ना तो मुनिराज को सिर्फ सातवें गुणस्थान में निर्जरा होगी, छठे गुणस्थान में निर्जरा नहीं होगी। उनकी निरंतर निर्जरा चल रही है, छठे में शुद्धोपयोग में नहीं है, तो फिर कैसे हो रही निर्जरा? शुद्ध पर तीन कषाय चौकड़ी की अभाव वाली शुद्धता है ना, तो उसके कारण निरंतर निर्जरा हो रही है। इसलिए वो शुद्धता की वृद्धि पंचम गुणस्थान से तीन कषाय चौकड़ी का अभाव था, दो कषाय चौकड़ी का अभाव था, तो उससे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, वो शुद्धि की वृद्धि हुई ना। अब वो बराबर निरंतर है तो उससे निर्जरा होती रहती, वो भाव निर्जरा है। कर्मों का जो नाश होता है वो स्वयं कर्म के कारण होता है तथा वह वास्तविक निर्जरा नहीं है। कर्मों का चला जाने से जीव का क्या होना है? पर्याय में अशुद्धता का नाश होकर शुद्धि की वृद्धि हुई, वह वास्तविक निर्जरा है। संवर अर्थात आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति होना, निर्जरा अर्थात शुद्धि की वृद्धि होना। आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति संवर, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा एवं शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है। इस तरह ये प्रथम मंगलाचरण रूप छंद की ये चर्चा हुई। अब निर्जरा अधिकार प्रारंभ करते हुए सबसे पहले द्रव्य निर्जरा की चर्चा करते हैं। इसमें लिखा नहीं है लेकिन उत्थानिका नहीं लिखी कि है 193 गाथा की है नहीं है, लेकिन इसको ऐसा हम समझ सकते हैं कि अगली गाथा के लिए अत भाव निर्जरा स्वरूपम आवेदयति, आगे कह रहे ना अगली गाथा 194, इसलिए द्रव्य निर्जरा का स्वरूप है। तो हो सकता है इस पे लिखा हो या रह गया हो। द्रव्य निर्जरा की चर्चा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन अपन ने पहले भी ये बात की है समय सार का निर्जरा अधिकार है, इसलिए यहाँ वो कर्णान योग की वो चर्चा नहीं होगी कि किस गुणस्थान में कितने निर्जरा हो रही है, वो चर्चा यहाँ नहीं मिलेगी। तो फिर क्या चर्चा है? मुख्य रूप से जो कर्ता कर्म अधिकार में चर्चा आई थी, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी के वही बंद फल देतु है, यह अचरज की बात ही नहीं आवई, को शिष्य पूछे को शिष्य गुरु समझावे। तो ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु, वहां तो वो कर्ता कर्म कर्तापने की अपेक्षा से मुख्यता से बात चल रही थी, लेकिन उसकी यहाँ एक तरह से विस्तार से चर्चा आएगी। तो ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी निर्जरा कैसे होती है, और वही चर्चा प्रारंभ हो गई। और उसमें से प्रारंभ में उन्हें द्रव्य निर्जरा भी और भाव निर्जरा भी है, लेकिन द्रव्य निर्जरा किस प्रकार से वो भी अभी चर्चा करते हैं। पहले इसमें आज उसी की चर्चा करेंगे विस्तार से। दूसरी बात, ऐसी क्या विशेषता है ज्ञानी के पास कि ज्ञानी भोग भोगते हुए भी उसकी निर्जरा होती रहती है, क्या है? प्रारंभिक चर्चा आएगी। दो विशेषताएं हैं, ज्ञान शक्ति और वैराग्य का बल। ये दो विशेषताएं उनके पास में है, दोनों को दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट करेंगे, ज्ञान की शक्ति और वैराग्य का बल। फिर पुनः अनेक उदाहरणों से बात सिद्ध करते हुए चलेंगे और बाद में भेद विज्ञान पर ही आएंगे। वो ज्ञानी अपने आप को इन सब से भिन्न
बस इन सबका ज्ञाता दृष्टा रखता है, ज्ञायक हूँ मैं, इन सबका ज्ञायक हूँ, सहज ज्ञाता दृष्टा रहता है, तो ये उसका मुख्य आधार है। यही पूरे अधिकार में, वहां तो संवर अधिकार तो भेद विज्ञान का था ही, वहां तो भेद विज्ञान की चर्चा चली रही थी स्पष्ट रूप से थी, लेकिन यहाँ भी मुख्य रूप से भेद विज्ञान की ही चर्चा चलेगी, लेकिन दूसरे तरह के अलग अलग बातों को लेते हुए, अलग अलग उदाहरणों को लेते हुए वही भेद विज्ञान की चर्चा चलेगी, और अंत में जाकर के जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, वो सम्यक दृष्टि निशंक होता है, निर्भय होता है, निर्भय और निशंक होता है, इसलिए उसकी निरंतर निर्जरा हो रही है, और उसमें से फिर 8 अंगों की चर्चा, निशंकित, निकांक्षित, इनकी चर्चा करते हुए अधिकार पूरा होगा। अब सबसे पहले ये द्रव्य निर्जरा की चर्चा 193 गाथा में करने जा रहे हैं। गाथा पढ़ता हूं मैं। उवभोगमिन्द्रियेयम् दौवाणमचेदनान निदराणम् जम कोणदिसम्मदिट्ठे तम संवम निजरणिमित्तम्। आसानी से गले उतरेगी नहीं और उतरना भी नहीं चाहिए, और इसलिए भी नहीं उतरती है कि जब भोग भोगना सामान्य जन बुरा समझते हैं तो ज्ञानी हो गए तो क्या हो गया, वो अच्छे हैं क्या? बंद के लिए ही कारण होंगे ना, संसार के लिए कारण होंगे, लेकिन वो निर्जरा के कारण कैसे हो रहे हैं? उपभोगम इंद्रियेहिं, इंद्रियों से उपभोग किनका? दव्वानम अचेतनानम इदरानम, द्रव्यों का। कौन से द्रव्यों का? अचेतनानम, अचेतन, और इदरानम, इदरानम माने चेतन, तो चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग। तो अचेतन द्रव्यों का उपभोग क्या, चेतन द्रव्यों का उपभोग क्या है? जैसे पीछे अप्रतिबुद्ध को समझाते हुए ये चर्चा की ना, अहम एदम एदम अहम, अहम एद सम्य अति मम एदम अन्नम जम परदव्वम सचित्ता चित्त निस्संबा, ये मैं, ये मेरे किन में, अन्य द्रव्यों में, कौन से अन्य द्रव्य? सचित्त अचित और मिश्र। तो जैसे वहां पर सचित अचित मिश्र ऐसे पर द्रव्यों में ये मैं ये मेरे इस तरह की बुद्धि करता है, वैसे ही सचित अचित मिश्र जो बिल्कुल स्पष्ट जड़ पदार्थ है, पहनने के, उड़ने के, ये इन सब का जो उपभोग चल रहा है ये जड़ है, और स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, तो इनके संयोग में, इनके सहयोग से अपने को अनुकूलता का महसूस करता है, तो ये चेतन का उपभोग है। और यदि उनको, मेरा पुत्र बहुत बढ़िया सुंदर कपड़े पहन करके खड़ा है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, या स्त्री आभूषण सहित है तो अच्छी लग रही, तो वहां दोनों हो गए ना, स्त्री आभूषण सहित, तो मिश्र भी बात लेते हैं उसमें से, तो चेतन अचेतन उपभोग। इसमें ये भी समझ लेना, मैं बार बार कहता हूं, उपभोग कहते ही हमें अच्छा अच्छा ही लगता है, लेकिन विपरीत भी तो भोगना पड़ता है, विपरीतता भी। जैसे पुत्रादिक है, आज्ञाकारी है तो अच्छे हैं, सुख के लिए कारण बनते हैं, उसका भी बढ़िया आनंद लेते हैं, और यदि आज्ञाकारी नहीं हो, उल्टा हो, दुख देने वाले हो, भागवा पिक्चर के जैसे पुत्र हो सबके परेशान करने वाले माता पिता को, जिन माता पिता ने 4 बच्चों को पाला हो लेकिन वो 4 मिल करके भी एक माता पिता को नहीं संभाल सकते, और ऐसे होंगे तो क्या कहेंगे? अब वो भी भोगना है, वो भी भोगना है। यदि वो क्या, पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में माया, तीजा कुलवंती नारी, और चौथा पुत्राज्ञाकारी, ये सब अच्छा अच्छा और इसमें समझ लो चेतन अचेतन दोनों आ गए। पहला सुख निरोगी काया, काया भी समझ लो अचेतन समझ लो, और घर में माया वो भी अचेतन है, स्त्री और पुत्र चेतन है,
अब ये इसके विपरीत, पुण्य का उदय है तो अनुकूल मिलेगा, अब पाप का उदय है तो प्रतिकूल। पाप के उदय से प्रतिकूल मिले तो भोगना पड़ेगा कि नहीं, और भोगते हैं कि नहीं, भोगते हैं, तो ये दोनों तरह का भोग इसमें लेना चाहिए। तो इंद्रियेहिम उभोगम दव्वाणम अचेतनानम इदराणम, अचेतन और इतर माने चेतन, इन दोनों का जम कुणदि सम्मदिति, सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, उसके पाप पुण्य का उदय चल रहा है। लेकिन खास बात ये है, तम सवम निर्जर निमित्तम, इन वह सब कैसा है, निर्जराज के निमित्त किसके लिए, सम्मदिति, सम्यक दृष्टि के लिए। अब इसमें से दूसरी बात क्या निकली, अपने आप ही आई ना, इसको आपके न्याय में प्रमाण में से भी कोई एक प्रमाण का भेद आता है, उदाहरण ख्याल में आ रहा है, नाम ख्याल नहीं आ रहा। पीनो अयम दिवा न भूंगते, ये मोटा है ना, ये दिन में नहीं खाता है, इसका अर्थ क्या हुआ, रात में, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति एक प्रमाण के भेदों में अर्थापत्ति नाम का माना ना, तो उसका उदाहरण ऐसा दिया कि दिवा पीनो अयम दिवा न भूंगते, ये मोटा है ना, ये दिन में नहीं खाता, इसका अर्थ क्या निकला, रात में खाता है तब तो इतना मोटा है, तो बिना कहे वो बात आ गई, अर्थापत्ति अर्थात ही आ गई। ऐसे इसमें अर्थापत्ति क्या निकलेगी, दूसरी, सम्यक दृष्टि, चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग इंद्रियों से कर रहा हो, इंद्रियों से कर रहा है ऐसा कह करके, अरे मन में कर रहा है तब तो पाप लगता ही लगता है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि नहीं तो भोगा तो है नहीं, ये इंद्रियों से ना? लेकिन वो सम्यक दृष्टि है तो उसे निर्जरा का निमित्त है, तो मिथ्या दृष्टि को आश्रव और बंध का निमित्त है, ये भी बात सहज उसमें से निकलती है। नीचे गाथार्थ पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग करता है वह सभी निर्जरा का निमित्त है। क्यों कैसे, थोड़ी टीका में चर्चा करेंगे। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। उपभोगमिन्द्रियेहिम दव्वाणमचेदनाणमिदराणम जम कुणदि सम्मदिट्ठि तं सर्वं निज्जरनिमित्तम् चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यग दृष्टि जन जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा का हेतु है। क्यों निर्जरा का हेतु है, बहुत विस्तार से टीका नहीं लिखी अमृतचंद्र आचार्य ने, बहुत संक्षेप में बात लिखी, उसका हेतु उसका आधार दिया, लेकिन उस आधार में से हमें आसानी से बात समझ में नहीं आएगी, तो हमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा विस्तार से समझाएंगे, बहुत विस्तार से भावार्थ लिखा हुआ है, उससे वो बात विस्तार से समझ में आएगी, इसलिए यहाँ अपन अकेला टीका का अर्थ समझते हैं। विरागस्य उपभोगो निर्जराय एव, विरागस्य उपभोग, विराग कौन है, विराग बेलोकर अपने विद्यार्थी का एक नाम है ना, वो विराग है किसका, तो उसका उपभोग निर्जरा के लिए और बाकी का उपभोग आप लोगों का बंद के लिए, कौन है विराग, विरागस्य बैरागी माने मुनिराज, तो मुनिराज नहीं करें, तो सम्यक दृष्टि की बात चल रही ना, तो सम्यक दृष्टि सीधे मुनि थोड़ी होते हैं, चौथे गुणस्थान वाले भी पांचवे गुणस्थान वाले भी हैं, उन्हें भी विराग कह रहे हैं, तो वे विराग कैसे, तो ये पुनः आपको आश्रव अधिकार संवर अधिकार पीछे चर्चा हुई उसमें से समझना पड़ेगा। समय सार में मोह राग द्वेष माने मिथ्या दृष्टि के मोह राग द्वेष, और सम्यक दृष्टि हुआ माने उनके मोह राग द्वेष का अभाव होगा, राग द्वेष है ही नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के राग द्वेष है ही नहीं, माने वो मिथ्यात्व सहित राग द्वेष कोई राग द्वेष मानते मुख्य रूप से, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण है, और वो नहीं है
इसलिए वे राग है। राग होना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन राग के प्रति राग होना ज्यादा खतरनाक है। तो राग के प्रति राग अर्थात मिथ्यात्व, वो अनंत संसार का कारण है। वो पड़ा रहे और हम मुनि दशा अंगीकार करें, बाहर में व्रतादिक बहुत करें, तो कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। पर राग के प्रति राग टूटा और फिर भी कदाचित व्रतादिक नहीं हो रहे हैं, चरित मोह वश्लेषण संयम पैसुरनाथ जजे हैं, और दूसरी तरफ मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेषण पायो। वो राग के प्रति राग रहा और राग के प्रति राग निकल गया और सम्यक दृष्टि हुआ तो बोले वो विराग है, वहीं से विराग कहना, उसको विराग कहना चाहते हैं। और उसका उद्भोग, इसका सीधा अर्थ है विराग का अर्थ या सम्यक दृष्टि है, मुनिराज नहीं है सीधा। तो विराग से उपभोगा निर्जराए, उसका जो उपभोग करता जाए वह निर्जरा के लिए है, बंधता ही नहीं है। बहुत बार जैसे सामने से कोई प्रतिकूलता आ रही, बहुत गालियां दे रहा हूं हमें, जैसे वो क्षमा धर्म में सब किया ना, गाली देता है और घरते निकारे बांध मार बहुविधि करे, ये जो सभी कर रहा है, लेकिन उसमें जो शांत रहता है, वो जब शांत रहता है तब वो सामने वाला इतना सब कर रहा है उस समय ये कहता है ये बहुत मेरा उपकारी है। क्यों? क्योंकि इसके कारण से मेरी पाप की निर्जरा हो रही है, पाप कर्म यदि ये नहीं करता तो पाप तो पड़ा ही रहता, उदय में नहीं आता, तो ये पाप की निर्जरा करने के लिए कारण बन रहा है। तो वो सब निर्जरा एव, वो जो जो उपभोग कर रहे हैं वो सब निर्जरा के लिए है। वो कारण बताते हैं कि रागादि भावानां सद्भावेन मिथ्या दृष्टे अचेतन अन्य द्रव्य उपभोग बंध निमित्तम एव स्यात्। मिथ्या दृष्टे, मिथ्या दृष्टि के लिए चेतन अन्य द्रव्य, तो चेतन और अन्य अचेतन, तो चेतन अचेतन द्रव्य का जो उपभोग है वह बंध निमित्तम एव स्यात्, बंध का ही निमित्त है। किस कारण से वो चेतन अचेतन का उपभोग कर रहा है? कहते नहीं। फिर किस कारण से? रागादि भावानां सद्भावेन, रागादि भावों के सद्भाव के कारण से। अभी निर्जरा अधिकार चल रहा है, इसके बाद कौन सा अधिकार आएगा? निर्जरा के बाद बंध अधिकार। वो बंध अधिकार में भी प्रारंभ में चर्चा ली ना, माने जगत में कर्म है इसलिए बंध ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। मन वचन काय का योग, वो भी योग भी बंध का कारण नहीं है। चेतन अचेतन की हिंसा भी बंध का कारण नहीं है, और पांच इंद्रियों का विषय भोग भी बंध का कारण नहीं है। और उसके फिर उदाहरण भी दिए, यदि कर्मों से बनता हो तो सिद्ध भगवान को बनना चाहिए, योग से बंधन होता हो तो अरंत भगवान को बनना चाहिए, चेतन अचेतन की हिंसा से हो तो मुनिराज, कदाचित मुनिराज से हिंसा हो, घात हो जीव का, उन्हें बनना चाहिए। पांच इंद्रिय विषय भोग से निर्जरा होती है तो ज्ञानी को बनना चाहिए। तो ज्ञाता पंचेन्द्रिय विषय भोग सो, जो ज्ञानी है पांच इंद्रिय विषय भोगों से नहीं बनता। तो किससे बनते? तो अंतिम वाक्य लिखा ना, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो इत्यादि, इन सबसे बंध नहीं होता है। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, और वो रागादि, रागादि के अभी जैसे मैंने की राग माने राग नहीं, राग के प्रति राग, राग में एकत्व उद्यत मिथ्यात्व, वो रागादि उस प्रकार के मिथ्यात्व संबंधी रागादि का सद्भाव मिथ्या दृष्टि को है, इसलिए बंध निमित्तम एव। और वो रागादि में एकत्व, और जैसे रागादि में एकत्व तो देहादि में तो पहले है, देहादि में तो देहादि के प्रति तभी तो राग हो रहा है, और उस राग में भी एकत्व है। उसको सुरक्षित रख कर चाहे जितना प्रयास करे, जमीन आसमान एक कर ले, और वो जमीन आसमान एक करना माने सर्वोत्कृष्ट दशा, तो मुनि दशा अंगीकार करने की ही है, सर्वोत्कृष्ट कार्य करे तो भी बंधन ही होगा, छूटेगा नहीं। बंध निमित्तम एव स्यात्, अब स एव, और इसकी आप दूसरी परिस्थिति स एव, स एव का मतलब
चेतन अचेतन द्रव्य उपभोगा, वो चेतन अचेतन द्रव्यों का उपयोग सही, वही चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग वैसा ही। पीछे तो काफी चर्चा पांडे राजमल जी की टीका में, वो ज्ञानी के ज्ञान में भाव और अज्ञानी के अज्ञान में भाव आपने कर्तकर्म अधिकार में पढ़ा है, तो उसमें बहुत विस्तार से इसकी बात की। दोनों के क्रिया एक सी, यहां तक कि क्रिया के परिणाम भी एक से हैं, तब भी एक को बंद हो रहा है और एक को बंद नहीं हो रहा है। वो ऐसे ही द्रव्य का विशेष है, कहा एक का द्रव्य शुद्ध रूप से परिणमा, एक का द्रव्य अशुद्ध रूप से परिणमा। तो वैसा का वैसा ही उपयोग उपभोग, और साथ में करे उपभोग संबंधी परिणाम भी है। ऐसा नहीं कि जब बढ़िया खाना खा रहे हो तो कड़वा लग रहा हो, और कोई बाहर नारक कृत दुख भोगे तो नरक के दुख हो रहे हो, वो तो अंतर सुख रस घटा घटी, वो अंतरंग की बात कर रहे हैं। तो बाहर की मार लग रही है तो बढ़िया फूलों जैसी लग रही हो, ऐसा नहीं है, वो भी दुखदायक ही लगती है, दुखदायक ही होती है। एक से परिणाम एक से, क्रिया एक से, सैव फिर भी सम्यक दृष्टि को क्या है स्थिति, रागादि भावानाम अभावेन सम्यक दृष्टेर निर्जरा निमित्तम एव स्यात्। लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए रागादि भावों का अभाव होने के कारण से निर्जरा का ही निमित्त होता है। एतेन द्रव्य निर्जरा स्वरूपम आवेदितम, इससे द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कह दिया। कहां बता दिया द्रव्य निर्जरा? द्रव्य निर्जरा तब होती कि द्रव्य कर्मों की निर्जरा हो गई, तो कहां लिखा? इसमें तो ये लिखा कि बंद का निमित्त नहीं होती, भाव जो रागादि का अभाव होने से निर्जरा के निमित्त होते, ये बता दिया। तो कहां द्रव्य निर्जरा हुई? तो क्या वो द्रव्यों का उपभोग की बात की इसलिए द्रव्य निर्जरा कहलाई? अभी तो ऐसा ही लगेगा, क्यों? यहां तो बात की चेतन अचेतन द्रव्यों के उपभोग की बात की, अगली गाथा भाव निर्जरा की बात करेंगे ना, वहां तो लिखेंगे कि सुख दुख इनको भोगते हुए जो सुख दुख होता है वो भाव, वो भी निर्जरित हो जाता है, वो भाव निर्जरा। तो द्रव्य और वो भाव, द्रव्य निर्जरा कैसे हुई? इसके लिए अपन जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ते हैं। एक सौ 143 पेज पर तो भूमिका ही लिखी, 144 पेज पर सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है, और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है। ये सब कहा है का मतलब क्या? अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं पीछे कहा है, इसलिए कह रहे कहा है, तो अज्ञान संबंधी मोह राग द्वेष उनके नहीं, मिथ्यात्व संबंधी नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। तो ये सम्यक दृष्टि का वैराग्य कौन सा? मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष नहीं होना, उसी का नाम विराग है। यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता है, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है। अब ये राग नहीं है का माने वर्णतनबंदी का राग नहीं है। वह जानता है कि यह भोगों की सामग्री परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है, कर्मोदय के निमित्त से इसका और मेरा संयोग वियोग है। जब तक उसे चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं बलहीन होने से पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब तक जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादि के द्वारा उपचार करता है, इसी प्रकार भोगोपभोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है। सीधा उसको उदाहरण दिया, रोगी रोग मिटाने के लिए औषधि ले रहा है, स्पष्ट कर रहे हैं आगे, किंतु जैसे रोगी रोग को या औषधि को अच्छा नहीं मानता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय को या भोगोपभोग सामग्री को अच्छा नहीं मानता, निरंतर छूटना चाहता है। निश्चय से तो ज्ञातृत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उदयागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है, उनके प्रति उसे राग द्वेष मोह नहीं है, सहज समता भाव पूर्वक ज्ञाता दृष्टा बन करके। फिर भोगी क्यों रहा है वो पीड़ा? अब बलहीन शब्द जो दिया ना, स्वयं बलहीन होने से, बलहीन का अर्थ अभी उससे बच नहीं पा रहा है,
अभी तीव्र उदय है। यदि छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज उग्र पुरुषार्थ वाले हैं तो इसलिए उन्हें परिणाम ही नहीं आ सकता है, वे सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन अभी चौथे गुणस्थान वर्ती है तो स्वरूप की लीनता का पुरुषार्थ कम है उसको बलहीन कह रहे, उसकी अपेक्षा से बलहीन है। अब उदय आ रहा है, अब यदि आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी तो इसलिए उस आकुलता व्याकुलता से बचने के लिए औषधि की तरह भोगों को भोग रहे हैं। उपादे सुख बुद्धि नहीं है और उपादे बुद्धि नहीं है। बनारसदास जी के ही शब्दों में, ज्ञानी मगन विषय सुख माही यह विपरीत संभवे नाही, ज्ञान कला जिनके घट जागी वे जग माही सहज वैरागी। शायद अभी आएगा आगे, ज्ञानी मगन विषय सुख माही यह विपरीत संभवे नहीं। इस प्रकार राग द्वेष मोह के बिना ही उनके फल को भोगता हुआ दिखाई देता है। फल को भोगता हुआ, कर्म का उदय आ रहा है, उसका फल हो रहा है, उसके फल को भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कर्म का आश्रव नहीं होता। राग द्वेष मोह का अभाव होने के कारण से आश्रव नहीं होता, कर्माश्रव के बिना आगामी बंद नहीं होता। और उदयागत कर्म तो अपना रस देकर खिर ही जाते हैं, क्योंकि उदय में आने के बाद कर्म की सत्ता रह नहीं सकती है, इसलिए आए, नया बंद कराया नहीं और चले गए। इस प्रकार उसके नवीन बंद नहीं होता, उदयागत कर्म की निर्जरा हो जाने से केवल निर्जरा ही हुई। वो पहला वाक्य याद करें, विरागस्य भोगा उपभोगा निर्जराय एव, इसलिए केवल निर्जरा ही हुई, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी के भोगोपभोग को निर्जरा का ही निमित्त कहा गया, भोगा और चला गया। पूर्व कर्म उदय में आकर उसका द्रव्य खिर गया, द्रव्य कर्म था ना वो खिर गया, सो वह द्रव्य निर्जरा है। इस अपेक्षा से उसे क्या कह रहे हैं, द्रव्य निर्जरा कह रहे हैं। जैसे नाचार्य का भी जल्दी से पढ़ते हैं सीधा सीधा, बहुत अच्छा उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है, ज्ञानी अज्ञानी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के भोगों से वो निर्जरा के लिए कारण सम्यक दृष्टि का और मिथ्या दृष्टि का नहीं है बंद के लिए, ऐसा क्यों। यह शिष्य कहता है कि सम्यक दृष्टि के भोगों को राग द्वेष मोह के अभाव के कारण निर्जरा का कारण कहा गया है, किंतु सम्यक दृष्टि के तो रागादि विद्यमान है, इसलिए उसके भोग निर्जरा के कारण कैसे हो सकते हैं। राग है तभी तो अभी चौथे गुणस्थान में है, यदि तीन कषाय चौकड़ी अभाव होती तो मुनि दशा में होते ना। इस पूर्व पक्ष के परिहार में आचार्य कहते हैं कि इस ग्रंथ में वस्तु वृत्ति से अर्थात मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टियों को ग्रहण किया है, माने वो मुनिराज वाली मुख्यता, और चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सराग सम्यक दृष्टियों का भी ग्रहण गौण वृत्ति से किया है। इस बात का स्पष्टीकरण पहले किया जा चुका है, वीतराग सम्यक दृष्टि और सराग सम्यक दृष्टि कैसे, अब उनके भी निर्जरा और कैसे निमित्त होती। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व के उदय में होने वाले मोह राग द्वेष नहीं है, और देश संयत को अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ जनित मोह राग द्वेष नहीं है। दूसरी बात यह है कि सम्यक दृष्टि के संवर पूर्वक निर्जरा, ये दो पकड़े, ये सराग राग है अभी, और इन दोनों के भोगोपभोग दिखाई देते हैं, वो तो मुनिराज हो गए फिर तो नहीं है, इसलिए दो कषाय चौकड़ी अभाव वाले पकड़े हैं, राग है भोगोपभोग भी है, लेकिन इनके संवर पूर्वक मिथ्यात्व चला गया है, संवर है और संवर पूर्वक की निर्जरा, सम्यक दृष्टि के संवर पूर्वक निर्जरा होती है, किंतु मिथ्या दृष्टि के गज स्नानवत बंद पूर्वक निर्जरा होती है, इसलिए मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि अबंधक है। गज स्नानवत का मतलब क्या कर रहे हैं, आगे स्पष्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार हाथी अच्छी तरह नहाने के बाद भी धूल मिट्टी को अपने ऊपर डाल लेता है, इस कारण गंदा ही रहता है। देखा होगा ना कभी, वैसे नहीं देखा होगा तो कभी टीवी और उसमें देखा होगा, तालाब में से निकल करके आएगा बाहर में, फिर मिट्टी डालेगा, ऐसा क्यों करता है। यदि उसे गर्मी बहुत लगती है और अभी वो तालाब में से निकल आया तो पानी अभी गीला पड़े ना, बहुत जल्दी सूख जाएगा, और मिट्टी डाल ली
तो और थोड़ी देर तक वो ठंडक बनी रहेगी। इसलिए वह नहा मैंने गज स्नान करके आने के बाद भी धूल डाल लेता है, तो क्या फायदा हुआ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि ने भोगा और फिर बांध लिया, पहले का भोग लिया और फिर नए कर्म बांधे, राग के कारण से, एकत्व बुद्धि के कारण से, सुख बुद्धि के कारण से फिर बांध लिए, तो काय की निर्जरा हुई। और सम्यक दृष्टि का कैसा है, वो तो स्नान किया सो नहा के निकला, फिर ऊपर से गंदगी नहीं करता, तो सम्यक दृष्टि उपभोग तो हुआ लेकिन नया नहीं बंधा। इसलिए मिथ्या दृष्टि के लिए गज स्नानवत, इसलिए मिथ्या दृष्टि की निर्जरा हाथी के स्नान के समान निरर्थक ही कही गई है। इस तरह द्रव्य निर्जरा की बात की, भाव निर्जरा की चर्चा अगली गाथा में करें। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।